नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर। जैसे कि प्रश्न है, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर लिखिए। उत्तर है, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिखेंगे स्थायी चुंबक और दूसरी साइड लिखेंगे विद्युत चुंबक। पहला अंतर है, इसके ध्रुव परिवर्तित नहीं हो सकते। स्थायी चुंबक के ध्रुव परिवर्तित नहीं हो सकते। इसमें धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर ध्रुव बदल जाते हैं। विद्युत चुंबक में धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर ध्रुव बदल जाते हैं। दूसरा अंतर है, इसकी प्रबलता सदैव स्थिर रहती है। स्थायी चुंबक की प्रबलता सदैव स्थिर रहती है। इसकी प्रबलता धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। तीसरा अंतर है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।